अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, वेलकम टू कंप्यूटर सब्जेक्ट, लेक्चर नंबर 92 ऑफ डे 18। वी हैव टू कंटिन्यू आवर रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 12। लेट्स स्टार्ट। लेट अस नो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हियर इज द बॉक्स इन विच द डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर गिवन। व्हाट इज द हार्डवेयर? एनी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी फेल्ट एंड टच्ड, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। इट वेयर्स आउट विद टाइम, ये वक्त के साथ साथ जो है इसकी क्वालिटी और इसके जो साख्त है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है, इसकी बॉडी वगैरह। मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। आपके घर में सीपीयू है, कंप्यूटर के सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। What is the software? It is a set of rules or programs given to a computer to perform certain tasks or actions. It cannot be touched but can be stored on a device that you can touch, such as CD-ROM, DVD-ROM. अब ये जो है ये एक टचेबल जो है वो डिवाइस नहीं होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह रख नहीं सकते, बल्कि ये कंप्यूटर के अंदर ही उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारा सीडी रोम है, हमारा डीवीडी रोम है। ओके, इट डज़ नॉट वेयर आउट विद टाइम, ये वक्त के साथ साथ ख़राब नहीं होता, ना इसकी क्वालिटी ख़राब होती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, पेंट, टक्स पेंट आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे विंडो है हमारे कंप्यूटर में, विंडोज होती है, उसके अलावा पेंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सब जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डिफरेंट एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन आवर सिस्टम। इट इज़ बेसिकली द ड्राइवर ऑफ अ कंप्यूटर, जस्ट लाइक अ पर्सन हु ड्राइव्स एंड कंट्रोल्स अ कार। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जो कंप्यूटर को ओवरऑल कंट्रोल करता है और उसको रन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारी विंडो है। अगर हम किसी भी कंप्यूटर में जब तक विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे, ना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा ना हमारा कंप्यूटर रन होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी गाड़ी का एक ड्राइवर हो, जब तक ड्राइवर नहीं होगा गाड़ी भी ऑटोमेटिकली नहीं चल सकती। बिल्कुल उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें विंडो इंस्टॉल करना ज़रूरी है, उसके बगैर भी कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ द कंप्यूटर टू रन। इस विंडो जो होती है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, इस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ईच कंप्यूटर टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि विंडो जो होती है वही हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे कंप्यूटर में मखसूस कामों को करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, उसको हम सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हमने कंप्यूटर विंडोज इंस्टॉल की तो हमारा कंप्यूटर चल गया, वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन उसके अंदर हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम काम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चाहिए होंगे, जैसे हमें अपनी फाइल्स वगैरह बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए MS Word की ज़रूरत होगी। तो जो हम जब हम MS Word उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे फाइल्स अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, तो वो जो MS Word है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन ऑल कंप्यूटर्स। पेंट, गेम्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेंट, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे पेंट वगैरह करते हैं, ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा आपका जो मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड है या फिर वो आईफोन है, आईओएस एंड एंड्रॉयड, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इसके अंदर जो हम एक दूसरे से बात करने के लिए व्हाट्सएप अगर इंस्टॉल करेंगे तो व्हाट्सएप इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13, here are some questions are given in which you have to complete the blanks. I am the brain of a computer, that is CPU, C and U. I give your output on paper, जो कि हमें paper पे सारे हमारे result देता है, that is a printer, printer. I am an output device that displays pictures, that is जिस पे हम results वगैरह देखते हैं screen पे, वो होता है monitor, monitor. I am an input device, जो कि इनपुट डिवाइस है, दैट इज़ माउस, MOUSE. आई हेल्प यू ड्रॉ, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए क्या यूज़ होता है, MS Paint, PAINT. आई कैन स्टोर मैनी मूवीज़ फॉर यू, दैट इज़ DVD. यू हैव टू राइट दीज लेटर्स इन कैपिटल, ओके।
Thank you so much. Okay, along with this reading of page number 12 and 13, you have to write and learn the question number 3 of chapter number 1. Okay, and the question number 3 of chapter number 1 is write two differences between a workstation and a personal computer. Workstation, it is a powerful computer, and personal computer, it is a small computer. On the next page, second features are given. This is about workstation. It is used to carry heavy tasks. ये बड़े बड़े काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूज़ होता है एंड इट इज़ यूज एट होम. और जो स्मॉल कंप्यूटर होता है पर्सनल कंप्यूटर वो हम घर में यूज़ करते हैं. दीज आर द टू डिफरेंसेस ऑफ वर्कस्टेशन एंड स्मॉल कंप्यूटर. यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो लर्न दिस. थैंक यू सो मच.